हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्स फ्लेवर्स किचन। आज हम बनाएंगे हरा भरा कबाब। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसके लिए मैंने लिया है एक पैन, इसे गर्म करना रख दिया है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। ये मैंने पालक को बॉईल करके इसकी प्यूरी बना लिया, ये है 1/2 कप। इसे हम इसमें डाल देंगे। ये है 1/2 कप मटर, इसे भी बॉईल करके थोड़ा मैश कर लिया है। इसे भी इसमें डाल देंगे ताकि हम इनका मॉइस्चर सुखा सकें, ड्राई कर सकें इसे थोड़ा। इसी में हम डाल लेंगे 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक, कद्दूकस किया हुआ अदरक, और 2 चम्मच हम डाल लेंगे कटा हुआ धनिया। इन सबको हम थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। हमारा मटेरियल ड्राई हो गया, हम अपना गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने। हमारा ये पालक और मटर का मटेरियल ठंडा हो गया है। ये मैंने लिए है 2 मीडियम साइज़ के आलू, उबाल कर इसे ग्रेट कर लिया है। इसमें हम अपना मटेरियल डाल देंगे। एक टेबल स्पून मैंने लिया है पनीर कद्दूकस किया हुआ, इसे आप स्किप भी कर सकते हो पर ये इसको अच्छा टेस्ट देगा। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाला और थोड़ा सा हम डालेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से। इन्हें मिक्स कर लेंगे। यह भी बैटर काफ़ी ढीला है, इसकी बाइंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे और ब्रेड क्रम्ब। इसमें मैं 2 सर्विंग स्पून ब्रेड क्रम्ब डाल रही हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो और डाल। हमें इसे एक डो की तरह बनाना है। अभी भी ये थोड़ा सा ढीला है, इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम हम और डाल देंगे। हमारा टिक्की का डो बन के तैयार है। अब हम बनाएंगे एक स्लरी। स्लरी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 सर्विंग स्पून मैदा और 1 ही सर्विंग स्पून हम लेंगे कॉर्नफ्लोर। हमें ये दोनों इक्वल क्वांटिटी में लेने हैं। इसमें हम डालेंगे नमक, और पानी डालकर इसका एक ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा थिन बैटर बना लेंगे। हमारा बैटर बनके तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाल लेंगे। एक प्लेट में हम ले लेंगे ब्रेड क्रम्ब और अपने कबाब बनाकर हम स्लरी में डिप करके ब्रेड क्रम्ब में कोट करेंगे। से हम अपने सारे हरा भरा कबाब बनाकर रख लेंगे। हमने अपने सभी कबाब को शेप दे दिए, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। हमारा तेल गरम हो गया है, अब हम अपने कबाब को फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें ग्रीन फूड कलर भी डाल सकते हो पर हम इसे हल्की रखेंगे इसलिए हमने कलर नहीं डाला।
हमारे कबाब फ्राई हो गया, इन्हें हम पेपर नैपकिन पे निकाल देंगे। इसी तरह से हम बाकी कबाब भी फ्राई कर लेंगे। हमारा हरा भरा कबाब बनके तैयार है। ये बहुत ही क्रिस्पी बना है।